ओके स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है। अब तो आ जानी चाहिए आवाज। अगर अब भी नहीं आई तो बस मैं क्या करूँगा। ओके अब फाइनली आवाज आ रही है। अब फाइनली आवाज आ रही है। अब ओके ठीक है, अभी तक आ रही है, बस ठीक है, जब जाएगी तब का तब देख लेंगे। ओके वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, ओके पूरा लेक्चर हमारा डिस्टर्ब हो गया था। वो कह रही है, सारे बच्चे कह रहे हैं कि अभी तक तो आ रही है, मैं तो जब तक आ रही है तब तो हम जब तक आ रही है तब तक वो देख लेते हैं। पता नहीं इनके लिंक का कोई इशू है, क्या इशू है मुझे समझ नहीं आ रही। सिर्फ फाइनल ईयर का इशू आ रहा है और बच्चे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अब बच्चे कह रहे हैं आ रही है, नहीं है इशू आ रहा। सारे अच्छे हैं, नहीं, बहुत इंटेलिजेंट है, क्लास बहुत इंटेलिजेंट है और पढ़ने वाले हैं, झूठ तो ये नहीं बोल सकते। वो सच बोल रहे हैं बेचारे, वो बार बार कह रही है आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, और यहाँ पता नहीं क्या इशू है। चले अब मैंने दोनों सिस्टम फॉर्मेट कर लिया और शायद गुड लैंग्वेज। चले ओके स्टूडेंट्स, हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट में हम स्किल कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे। स्किल कम्युनिकेशन हमने डिस्कस भी कर लिया, ठीक है, कि स्किल कम्युनिकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एरर्स को प्रिवेंट करने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए, ठीक है। और ये भी हमने बताया, अभी ये भी हमने अभी पढ़ा कि 2005 में जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल को 70 जो सेंटिनल इवेंट्स रिपोर्ट हुए थे उनमें से उन्हें ये बताया गया था कि 70% जो इसमें सेंटिनल इवेंट्स हैं वो कम्युनिकेशन एरर की वजह से, ठीक है। सो नर्सेज जो है वो प्रोफिशिएंट होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स में जिस तरह वो क्लिनिकल स्किल्स में। नहीं, मुझे भी पता है, वैसे भी आप लोग झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं यही कह रहा हूँ। ओके तो मैं तो आप लोगों के साथ एग्री कर रहा हूँ, क्या होंगे आप लोग, ठीक है। जिस लिंक का मसला आ रहा है होता है तो हाँ ठीक है, वो कभी कभार इशू आ जाता है, लेकिन आप लोगों का इशू ज़्यादा है इस लिंक में। ये मैं अभी लेक्चर के बाद इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा मैम के साथ कि क्या इशू आ रहे हैं, क्यों आ रहा है, क्योंकि आप लोगों का इशू बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं जब भी देखो तो आप लोगों ने न किसी बच्चे को आवाज़ आती है, मैं ग्रुप में भी कल देख रहा था, और न तो बच्चों को आवाज़ आ रही है, न बच्चों को जो है वो टाइमिंग शो हो रही है। तो इशू है आप लोगों का, ठीक है। ओके सो सेंटिनल इवेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज सेंटिनल इवेंट्स, ठीक है। तो सेंटिनल इवेंट्स क्या है, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल ने ये डिफाइन किया था कि कोई भी ऐसा इवेंट किसी भी हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर, कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी वजह से किसी पेशेंट की डेथ होती है या किसी पेशेंट को फिजिकल या साइकोलॉजिकल कोई इंजरी होती है सीरियस, ठीक है, जो कि उसकी नेचुरल डिजीज की वजह से नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसा इवेंट जो डिजीज की वजह से नहीं है लेकिन उसकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है या पेशेंट को फिजिकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, उसे हम सेंटिनल इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है। 2012 से लेके 2014 तक JCI ने कुछ 10 सेंटिनल इवेंट्स जो है वो इनलिस्ट किए थे कि सबसे ज़्यादा जो सेंटिनल इवेंट्स हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर आ रही है, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के अंदर आ रही है, वो ये 10 सेंटिनल इवेंट्स हैं। उनमें से जो फर्स्ट था वो था अनइंटेंडेड रिटेंशन ऑफ फॉरन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी मरीज के अंदर जो है वो फॉरन ऑब्जेक्ट रह गया, ठीक है, रिटेंशन हो गया उसका। दूसरा जो है वो है फॉल रिलेटेड इवेंट्स, ठीक है, कोई पेशेंट जो है वो गिर गया। फॉर एग्जांपल आप जो है वो काम कर रहे हो, अनइंटेंशनली सर्टेन इंजरी आर हार्म, बिल्कुल आप ठीक कह रही है सर, ठीक है। अब सेंटिनल इवेंट्स या जो ये अनइंटेंशनली सर्टेन इंजरी या जो सर्टेन हार्म्स होती है, ठीक है, इसमें कौन कौन से है, तो 10 जो मेन है या 10 जो सबसे ज़्यादा अकर हो रही है हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर,
वो JCI ने इनलिस्ट की है, ठीक है। उनमें से जो फर्स्ट है वो है अनइंटेंडेड रिटेंशन ऑफ फॉरन ऑब्जेक्ट, सेकंड जो वो फॉल रिलेटेड इशू है। फॉल रिलेटेड इशू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये सेंटिनल इवेंट कैसा है? सेंटिनल इवेंट इस तरह है, ठीक है, कि डिजीज़ की वजह से नहीं, अगर कोई पेशेंट गिर गया वो डिजीज़ की वजह से तो नहीं गिरा, पेशेंट गिर गया उसको जो है वो फ्रैक्चर हो गया, कोई और इशू हो गया, ठीक है, तो वो डिजीज़ की वजह से वो इशू नहीं है, वो एक सेंटिनल इवेंट की वजह से। वो सेंटिनल इवेंट क्या है? वो फॉल है, ठीक है। उसके बाद जो है वो सुसाइडल इवेंट्स होते हैं, ठीक है। कोई पेशेंट जो है वो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट ने सुसाइड कर लिया, उसने अपने सुसाइड ये भी है कि उसने अपने सारे मेडिकेशन जो है वो रिमूव कर लिया, उसने अपना वेंटिलेटर जो है वो रिमूव कर लिया, ठीक है, और आपको पता भी नहीं है पेशेंट की डेथ हो गई। इसके अलावा रॉन्ग पेशेंट या रॉन्ग साइट या रॉन्ग प्रोसीजरल इवेंट है, ठीक है। और जी बिल्कुल, शहर कह रही है कि दो टाइप की इवेंट्स होते हैं, सेंटिनल इवेंट के अंदर क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे हम ओवरऑल बात कर रही हैं 10 सेंटिनल इवेंट्स के, जो कि सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर आ रही हैं। तो उसमें जो रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग साइड और प्रोसीजरल इवेंट आते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट इवेंट के अंदर जो डिले है, ठीक है, आपने जो है वो पेशेंट को ट्रीट करना है, आप जो है वो डिले हो गए हो, आपने मेडिकेशन जो है वो लेट लगाया, आपने प्रोसीजर जो था वो लेट किया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो क्रिमिनल इवेंट्स है, असॉल्ट हो गया, रेप हो गया, होमिसाइड्स वगैरह हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्ट या ड्यूरिंग ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशन है। अगर एक पेशेंट आया हुआ है ऑपरेट के लिए, कोई भी ऑपरेशन है उसका, उसके अंदर आपसे कोई गलती हो गई, डिजीज प्रोसेस की वजह से नहीं, आपसे कोई गलती हो गई, आपके किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो ये सेंटिनल इवेंट के अंदर जो है वो काउंट होगा। इसके अलावा पेरीनेटल इवेंट्स है, ठीक है, पेरीनेटल का क्या मतलब है? प्री पोस्ट नेटल दोनों, ठीक है। पेरीनेटल इवेंट्स उसके दौरान जो है वो किसी डॉक्टर से, किसी फिजिशियन से, किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कोई गलती हो गई और उसकी वजह से जो है वो मदर या बेबी दोनों, किसी भी किसी दोनों में से किसी एक की हेल्थ को जो है वो कोई इशू हुआ या कोई जो है उनमें से कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सेंटिनल इवेंट के अंदर जो है वो काउंट होगी। इसके अलावा मेडिकेशन एरर इवेंट है, ठीक है, आपने जो है वो गलत मेडिकेशन लगाई है, उसका डोज गलत था, उसके टाइमिंग गलत थी, ठीक है। या फायर रिलेटेड इवेंट्स आते हैं, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई जो है वो आग लग गई किसी एरिया के अंदर, किसी यूनिट के अंदर, और उसकी वजह से जो है पेशेंट को नुकसान पहुंच गया, तो ये सारी सेंटिनल इवेंट्स है। स्लाइड में नहीं है ये, स्लाइड में नहीं है ये, मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा, ये मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा, ठीक है, ये मैंने अभी देखी, ये मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा। और इसके बारे में कुछ और डिटेल्स भी चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा, कि कौन कौन से कितनी कितनी आई थी, 2012 में कितनी आई थी, 2013 में कितनी आई थी, और 14 में कितनी आई थी, कंप्लीट डाटा मेरे पास मौजूद है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक सेंटिनल इवेंट, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड यूज़ हुआ था, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि सेंटिनल इवेंट्स है क्या, कहाँ पे ये, किसने एक्सप्लेन किया था सेंटिनल इवेंट को, किसने जो है वो ये टर्म किसने एक्सप्लेन किया था, फिर उसके बाद कौन कौन से सेंटिनल इवेंट जो है वो इन्होंने इनलिस्ट किए थे, और कितनी इसकी जो है वो कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है, या कितनी इवेंट जो है वो किस साल में आए थे, तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें नेक्स्ट जो है वो है ट्रू कोलाब्रेशन, ठीक है। अब ट्रू कोलाब्रेशन क्या है? नर्स मस्ट बी रिलेंटलेस इन परस्यूइंग एंड फोस्टरिंग ट्रू कोलाब्रेशन। कोलाब्रेशन इज द मल्टी फैसेटेड कॉन्सेप्ट व्हिच हैज बीन डिफाइंड इज वर्किंग टुगेदर टू अकम्पलिश अ कॉमन गोल। कोलाब्रेशन का मतलब क्या है? कोऑपरेशन, कौन सा कोऑपरेशन है ये? कोलाब्रेशन असल में ये है कि आप एक, आपका गोल है, आप एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक साथ काम करते हैं, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक साथ काम कर रहे हो, वो क्या? वो ट्रू कोलाब्रेशन है। अब नर्सिस के लिए या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारा मेन या जो हमारा गोल होता है, हमारा एम जो होता है वो क्या है? वो पेशेंट को ठीक करना है, पेशेंट को ट्रीट करना है, पेशेंट को इस एबल बनाना है, उस काबिल बनाना है कि वो अपने काम खुद कर सके। तो अगर तीन स्टाफ है, मैं जो है वो मॉर्निंग में आता हूँ, कोई और जो है वो इवनिंग में आता है, कोई जो है वो नाइट में आता है, हम तीनों जो है वो एक ही पेशेंट के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, हमारे अंदर कोलाब्रेशन कोऑपरेशन रहेगा तो तभी हम
उस पेशेंट को जो है वो ट्रीट कर पाएंगे, उस पेशेंट के लिए जो हमने गोल सेट किए हैं उस गोल उन गोल्स को हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है। सो कुछ इन्वेस्टिगेटर्स कह रही है कि कोलाब्रेशन जो है ये पांच चीज़ों से बनता है, शेयरिंग, पार्टनरशिप, पावर, इंटरडिपेंडेंसी एंड प्रोसेस। कैसे? शेयरिंग क्या है? आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं मॉर्निंग ड्यूटी से जा रहा हूँ और सुलेमान जो है वो इवनिंग पे आ रहा है, तो मैं उसे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, मैं उसे बताता हूँ कि ये चीज़ है, ठीक है, इस पेशेंट की ये ऑर्डर्स आए थे, ये स्टेट ऑर्डर्स थे, ये इसके आज ऑर्डर्स हुई है, मैंने ये चीज़ें जो ये ऑर्डर्स मैंने कैरी आउट की है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नोट की, ये मेरे का कैरी आउट किया, ये ऑर्डर जो ये अभी तक नहीं हुई, किस वजह से नहीं हुई, ठीक है, और आपने किस तरह लेके जाना, सारी चीज़ें मैं शेयर करूँ। पार्टनरशिप, हमारी बीच में पार्टनरशिप चल रही है, कुछ काम मैं कर रहा हूँ, कुछ और कर रहा है, कुछ दूसरा कर रहा है। आप लोग खुद देखें कि अगर यूनिट के अंदर सिर्फ एक बंदा काम कर रहा है, दूसरा बंदा जो है उसके साथ पार्टनरशिप पे काम नहीं हुआ, पार्टनर है ही नहीं उसका, तो यूनिट चल सकेगा? नहीं। वो चल पाएगा? नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक टीएल है, सिर्फ टीएल काम कर रहा है और बाकी हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा, एक दूसरे के साथ जो है वो हेल्प आउट नहीं कर रहा। मैं छोटी सी एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, आप आईसीयू में काम कर रहे हो, आपके पास पेशेंट है, हेवी पेशेंट, पेशेंट का साइड चेंज करना है, पेशेंट को जब हम पोजीशनिंग जब पेशेंट की करते हैं ना, तब भी हम अपने कलीग को बुला लेते हैं कि प्लीज़ आप आए और मेरे साथ पेशेंट को जो है वो पेशेंट की पोजीशनिंग कर लें। पार्टनरशिप पे हम काम करते हैं, वो मेरे साथ काम करेगा, मैं उसके साथ काम करूँगा, तो काम चलता रहेगा। दूसरा क्या है? पावर। कोलाब्रेशन के लिए पावर की भी जरूरत होती है, आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। पावर का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो दूसरे को जो है वो नीचा कर, नीचे करने वाला पावर नहीं है, ये वो पावर है जो कि आप एक दूसरे को एटलीस्ट बोल सकते हो कि प्लीज़ या काइंडली आप मेरे साथ ही काम कर लो, और आपको वो आपके पास उस काम करने की अथॉरिटी मौजूद है, ठीक है, उस काम करने की अथॉरिटी आपके पास मौजूद है। उसके बाद इंटरडिपेंडेंसी, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आप लोग क्लास में भी हो ना, 44 स्टूडेंट्स हो, आप लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, कोई बंदा कोई काम अकेले नहीं कर सकता। अगर फॉर एग्जांपल मैं, अगर शाहरुख कह रहा है कि मैं जो है वो सारे काम मैं अकेले कर सकता हूँ, मुझे जो है वो क्लास फेलोज की जरूरत नहीं है, तो क्या वो कर पाएगा? कुछ हद तक कर पाएगा, लेकिन सारे काम जो है वो अकेले नहीं कर सकता, हर काम जो है वो अकेले नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है? ये असल में इंटरडिपेंडेंट है हम एक दूसरे के ऊपर। दूसरा क्या है? प्रोसेस है, कोलाबरेशन एक प्रोसेस है, चलता रहता है। आप मेरे साथ काम करो, मैं आपके साथ काम करूंगा, ठीक है, ये सिलसिला चलता रहेगा इस तरह। तो कोलाबरेशन जो है ये पांच चीजों से बनता है, शेयरिंग, पार्टनरशिप, पावर, इंटरडिपेंडेंस इन प्रोसेस। लेकिन कुछ रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि कोलाब्रेशन के अंदर 10 लेसन्स हैं, 10 चीज़ें हैं कोलाब्रेशन के अंदर। अच्छा, अभी 20 स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन है, पहले जो थे वो 25 स्टूडेंट्स ऑनलाइन थे, तो आप लोग ग्रुप में काइंडली कोई एक बच्चा एक मैसेज कर लें कि काइंडली ऑनलाइन हो जाए, अब आवाज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो आवाज़ वो ठीक आ रही है, तो एटलीस्ट हम कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, तो कुछ रिसर्चर्स ने कहा था कि 10 लेसन्स जो है वो कोलाब्रेशन के अंदर जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, नो थाई सेल्फ, सबसे पहले अपने आप के बारे में जानो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता, ठीक है। दूसरा क्या है? लर्न टू वैल्यू एंड मैनेज डाइवर्सिटी। दूसरा ये है कि आप वैल्यू लर्न करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, आप लोग क्लास में बैठे हो, 44 स्टूडेंट्स, हम सारे एक दूसरे से डाइवर्स थे, 44 आप और एक में, 45 हो गए, हम 45 जो एक दूसरे से डाइवर्स थे, गलत कोई भी नहीं होता, ये हमेशा याद रखें अपनी ज़िंदगी में कि गलत कोई भी नहीं होता, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है, गलत कोई भी नहीं होता, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल,
आप जो उस साइड पे खड़े हो ठीक है, और मैं ये लिख रहा हूँ इस तरह, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये क्या है, ये 9 है, ठीक है। लेकिन अगर शाहरुख या हमजा उस साइड पे खड़ा है, वो कह रहा है कि ये 6 है, तो क्या वो गलत है? वो गलत नहीं है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज है। वो जिस पोजीशन पे या वो जहाँ पे खड़ा है, वो वहाँ से बोल रहा है, वो अपनी बात, वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डाइवर्सिटी को वैल्यू देना है, ठीक है, और डाइवर्सिटी को मैनेज करना है। इसके बाद है डिवेल्प कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स। कन्फ्लिक्ट राइज होते हैं, कन्फ्लिक्ट रेज होती है क्लास में भी, जब आप डिस्कशन करते हो अपने कलीग्स के साथ। लेकिन आपने क्या करना है, आपने उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है कंस्ट्रक्टिव मैनर में, डिस्ट्रक्टिव मैनर, ठीक है। और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स जो है वो हमने पढ़े थे, तीन तरह की स्किल्स होती है। एक विन विन स्किल्स, जिसमें दोनों पार्टीज जो है वो जीत जाती है, कोई ये नहीं कहता कि मैं हार गया, दोनों को फायदा होता है। दूसरा है विन लूज। विन लूज में क्या है, विन लूज में ये कि आप कहते हो कि मैं जीत जाऊं, लेकिन इसके साथ मस्ट ये कि दूसरा हार जाए, ठीक है। आपका कोशिश सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ मैं जीत जाऊं, आपको कोशिश ये भी होता है कि दूसरा जो है वो दूसरे को मैं हरा दूं। और थर्ड जो है वो है लूज लूज। अब लूज लूज में क्या है कि आप भी कंपनसेट कर लेते हो, दूसरा भी कंपनसेट कर लेता, आप कहते चलो ठीक है यार, थोड़ा मैं कंपनसेट कर लेता, थोड़ा वो कंपनसेट कर लेगा, बस जो कन्फ्लिक्ट है वो रिसॉल्व हो जाएगा। तो आपने कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स जो है वो डिवेलप कर ली, विन विन सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर रहा है, इसमें आप भी जीत जाओ दूसरा भी जीत जाए, आपके लिए भी फेवरेबल रिजल्ट्स आ जाए और दूसरे को भी फेवरेबल रिजल्ट्स या फेवरेबल आउटकम जो है वो मिल जाए, ठीक है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो कहता कि मास्टर इंटरपर्सनल एंड प्रोसेस के स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स को जो है अपने मास्टर कर। एक मिनट, ओके। वो सर आई थी, उनसे बात कर रही थी, वो वेट कर रहे थे। अच्छा ठीक है, ओके। मास्टर इंटरपर्सनल एंड प्रोसेस स्किल्स, इंटरपर्सनल और प्रोसेस स्किल्स में मास्टर होना है, दूसरों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपने डिवेलप कर। द नेक्स्ट वन इज रिकॉग्नाइज दैट कोलैबोरेशन इज अ जर्नी। आपने ये रिकॉग्नाइज करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि कोलैबोरेशन क्या है, कि जर्नी है जिसे मैं भी गुजर रहा हूँ, जिसे आप भी गुजर रहे हो और जिससे दूसरा भी गुजर रहा है। अगर हम काम कर रहे हैं तो हम सारे कर रहे हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दूसरा है लेवरेज ऑल मल्टी डिसिप्लिनरी फोरम्स। फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ पॉइंट बताऊं, ठीक है, मास्टर इंटरपर्सनल एंड प्रोसेस स्किल्स। फिफ्थ पॉइंट ही कह रहा है कि आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स है, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप मुझसे कम्युनिकेट कर रही है, ये क्या है, ये इंटरपर्सनल स्किल्स है, इंट्रापर्सनल ये इंटरपर्सनल है। तो जो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स है ना, दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, दूसरे को जो परसीव कैसे करना है, दूसरे का अगर पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मुझसे चेंज है, अगर दूसरा कुछ और बोल रहा है, तो मैं उसे ये ना कहूँ कि आप गलत हो, मैं उसे ये कहूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज है। आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं आपका मतलब यही है, मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ वो मेरा मतलब यही है, या अगर मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं उसे कहूँ कि भाई सर या मैडम, आप काइंडली मुझे एक्सप्लेन कर दे कि आप क्या कहना चाहते हैं या आप क्या कहना चाहते हैं, आपका पॉइंट क्या है। तो इंटरपर्सनल या जो प्रोसेस स्किल्स है हमारे, ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है हमारे, इसमें हमें मास्टर होना है। द सिक्स वन इज कोलैबोरेशन इज अ जर्नी, इसकी तो समझ आ गई। द सेवन इज लेवरेज ऑल मल्टीडिसिप्लिनरी फोरम्स।
हमने जितनी भी मल्टी डिसिप्लिनरी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो है वो मैं काम कर रहा हूँ, हम एक क्लिनिकल सेटिंग में काम कर रहे हैं, मैं जो है अगर नर्स हूँ, कोई और जो मेरे साथ डॉक्टर काम करेगा, मेरे साथ क्लीनर काम करेगा, मेरे साथ जो है वो नर्स एड काम करेगा, ठीक है, मेरे साथ जो है वो रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट काम करता है, तो ये सारे लोग जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी लोग हैं, मैंने सबको लेवरेज करना है, देखना है किस बंदे को मैंने किस काम का किया है, किस बंदे से मैंने किस तरह कोलैबोरेशन करना है, ठीक है, सारी चीज को लेवरेज करना है, अप्रिशिएट दैट कोलैबोरेशन कैन अकर स्पॉन्टेनियसली, और कोलैबोरेशन इस तरह ही है, ये अप्रिशिएट करना है, कोलैबोरेशन जो स्पॉन्टेनियसली होते हैं खुद ब खुद होता है, ये नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ स्पेशल ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, तो कोलैबोरेशन जो है वो स्पॉन्टेनियसली हो सकता है, बैलेंस ऑटोनॉमी एंड यूनिटी इन कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप, अब अगर मेरे साथ कोलैबोरेशन में कोई काम कर रहा है तो मैं उसकी ऑटोनॉमी को बैलेंस करूंगा, उसकी यूनिटी को बैलेंस करूंगा, अब यूनिटी और ऑटोनॉमी को किस तरह हम बैलेंस कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा ग्रुप है, मैं वो फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमजा है मेरे साथ फॉर एग्जाम्पल और सुलेमान है, तीन लोग हम काम कर रहे हैं, तीनों हम ऑटोनॉमस हैं, मेरे आइडियाज अलग होंगे, हमजा के अलग होंगे और सुलेमान के अलग होंगे, लेकिन हमने कोलैबोरेशन में भी जाना है, हमने ये भी सोचना है कि यूनिटी भी कायम रखनी है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक्सप्लेन करना है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमने ग्रुप के सामने रखना है, लेकिन हमने यूनिटी के साथ जाना है, एक दूसरे से झगड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वो मैं कह रहा हूँ कि हम जो है वो कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फ्रेंस के टाइमिंग जो है वो 8 से 10 होना चाहिए, 8 से जो है वो 4 बजे का होना चाहिए, सुलेमान कहता नहीं 9 9 से 3 का होना चाहिए, हमसा कह रहे नहीं दोनों आप गलत कह रहे हो क्या आप 10 के, तो ठीक है, तो हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चेंज है, अब हमजा के अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, सुलेमान का अलग और मेरा अलग है, लेकिन हमने काम साथ करना है, तो हमने क्या करना है, बैठना है, ठीक है, आइडियाज को शेयर करना है, और फिर एक आइडिया को जो है वो देखना है कि अभी हमने करना क्या है आगे, एक यूनिटी जो है वो डिवेलप करके जो है वो हमने आगे जाना है, जिस तरह सैर कौल कह रही है कि मिल के जो है वो आगे हमने कंसेंसस करना है, हमने करना क्या है, डिसीजन जो है वो हमने जिस तरह हम कहते हैं मुशावरत करना है, हमने आपस में डिस्कस करना है, हमने चीजों को कि हमने क्या करना है, ठीक है, तो ऑटोनॉमी और यूनिटी दोनों को हमने बैलेंस में रखना है, दूसरा क्या है, रिमेंबर दैट कोलैबोरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल डिसीजन, और हर डिसीजन के लिए कोलैबोरेशन की जरूरत नहीं होती, हर डिसीजन के लिए कोलैबोरेशन की जरूरत नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टीएल हूँ, मैं वार्ड का जो है वो टीम लीडर हूँ, आप लोग मेरे साथ काम कर रहे हो, मैं हर चीज़ में आप लोगों से कोलैबोरेशन तो नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोगों के साथ मैं कोलैबोरेशन कर रहा हूँ, या मैं डिसीजन ले रहा हूँ ऑफ के बारे में कि किस किस को कब कब ऑफ चाहिए और कितने चाहिए, तो इसमें मैं आप लोगों से इतना कोलैबोरेट नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल हमजा कह रहे हैं कि मुझे 1 से 10 जो है वो मुझे ऑफ चाहिए, 1 से 5 जो है वो मुझे ऑफ चाहिए, सुलेमान भी कह रहे हैं मुझे 1 से 5 चाहिए, जो है वो समर भी कह रही है मुझे 1 से 5 चाहिए, सैर भी कह रही है मुझे 1 से 5 चाहिए, रौलिका भी कह रही है मुझे 1 से 5 चाहिए, अब सारी कह रही है जो मेरे टीम में जितने मेम्बर्स हैं फॉर एग्जाम्पल 10 से 12 है, सारी कह रही है मुझे इसी इन्हीं रीजन का ऑफ चाहिए, तो मैं उसमें कोलाब्रेशन करूँगा कि आप लोग के साथ नहीं करूँगा, मैं कहूँगा बस ठीक है ये आप लोगों का डिसीजन नहीं है, मेरा डिसीजन है कि मैंने आप लोगों को ऑफ कब दे रही है, ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो कि हमने उन चीज़ों को सेपरेटली देखना, वो हमने अपनी अथॉरिटी से जो डिसीजन लेना है, कोलाब्रेशन से नहीं, ठीक है, तो ट्रू कोलाब्रेशन के अंदर हमने 10 चीज़ों को याद रखना है, सबसे पहले खुद के बारे में जानना है, दूसरा जो है अगर दूसरे की वैल्यू को जानना है, उसकी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है,
कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो है वो देना है, ठीक है। इसके अलावा विन विन सिचुएशन जो है वो क्रिएट करना है। इंटरपर्सनल स्किल्स हमारी अच्छी होनी चाहिए, कोलेब्रेशन के लिए। ये एक जर्नी है, हमने एक साथ मिल के काम करना है। मल्टी डिसिप्लिनरी डॉग जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, ठीक है। उनकी कोलेब्रेशन को हमने जो है वो अप्रिशिएट करना है, ठीक है। और साथ साथ जो है वो हमने ये भी देखना है कि कोलेब्रेशन जो है वो स्पन्टेनियसली होता है, ठीक है। और उनकी जो हमारी ऑटोनॉमी है, लोगों की ऑटोनॉमी का ख्याल रखना है, लेकिन ऑटोनॉमी और यूनिटी दोनों को बैलेंस करना, बैलेंस में रखना है, ठीक है। और साथ साथ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक डिसीजन के लिए जो है वो कोलेब्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है वो आपने अपने अथॉरिटी से देखनी होती है। तो हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर जो सेकेंड पॉइंट था वो क्या था, वो ट्रू कोलाबोरेशन था। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, हेल्थ केयर एनवायरनमेंट मैंडेट दैट नर्सेस बी अकाउंटेबल फॉर देयर प्रैक्टिस, दे मस्ट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। हमें यही कहा जाता है कि आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। जो बोर्ड में हम नीचे साइन करते हैं ना, साइन का क्या मतलब है, आपने वाइटल कर लिया, वाइटल के नीचे साइन कर लिया, आपने मेडिसिन लगाई, मेडिसिन के नीचे साइन कर लिया। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम ये दिखाएं लोगों को कि मैंने ये काम कर लिया, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि आपने जो काम किया आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप अकाउंटेबल हो। ये आपने किया क्यों किया, आप जवाब दे हो, आप जवाब देना है कि मैंने ये किया है तो क्यों किया है, ठीक है। तो हेल्थ केयर एनवायरनमेंट जो है वो हमें क्या बताता है, वो हमें ये बताता है कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए अकाउंटेबल हो। तो अगर हम प्रैक्टिस के लिए अकाउंटेबल हैं तो हमें अपनी डिसीजन जो है वो खुद भी लेने पड़े, खुद लेनी चाहिए ना, डिसीजन मेकिंग में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर मैं नर्सिंग के बारे में डिसीजन ले रहा हूँ, अगर हमारे वार्ड के बारे में डिसीजन है, तो उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो द हाई डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी इज नेसेसरी। अगर मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है ना, तो उसके साथ ऑटोनॉमी भी चाहिए, उसके साथ ऑटोनॉमी भी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं चलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी दोनों चीज़ें हैं। अगर मैं आपको कोई काम डेलीगेट कर रहा हूँ ना, मैं आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, तो मैंने आपको लोगों को दो चीज़ें दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने दे दे रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ऑटोनॉमी और साथ साथ आपको अथॉरिटी दे रहा हूँ कि ये काम आपने करना कैसे, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी दोनों मस्ट है। एन एनवायरनमेंट दैट कंसिस्टेंटली एंड सक्सेसफुली इनकरेज नर्स टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, प्रमोट क्वालिटी पेशेंट आउटकम एंड इंप्रूव लाइफ सेटिस्फेक्शन। जब आप किसी जगह पे काम कर रहे हो, आप उधर जो है वो आपको रिगार्ड दिया, आपके काम को जो है वो रिगार्ड देते हैं लोग, ठीक है। लोग आपसे पूछते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं तो लोग आपको उस डिसीजन में जो है वो बुलाते हैं, आपसे पूछते हैं, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं, तो आप जो है वो सेटिस्फाई रहोगे वहाँ पे कि यार यहाँ पे मेरा वैल्यू है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लोग मेरा वैल्यू है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बस हर एक डिसीजन जो है वो बॉस लेता है और मुझे जो है वो सिर्फ ऑर्डर मिलते हैं। मीटिंग्स होती है, पूछा जाता है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो एक तो आप सेटिस्फाई होगी, अगर जब आप खुद सेटिस्फाई रहोगे ना, तो पेशेंट का आउटकम जो है वो भी इम्प्रूव होगा, वो भी प्रमोट होगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अप्रोप्रिएट स्टाफिंग। बहुत बड़ा इशू चल रहा है, बहुत बड़ा इशू चल रहा है। हम कहते हैं वर्कलोड ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास नर्सेज कम है, स्टाफ कम है। तो जब स्टाफ कम होगा तो पेशेंट आउटकम जो है वो नेगेटिव आएगा, एडवर्स पेशेंट इवेंट्स आएंगे। अब फॉर एग्जांपल एक वार्ड में 20 पेशेंट्स हैं और मैंने सिर्फ एक बंदे को कहा कि आप ड्यूटी करो, इन 20 पेशेंट पे आप काम करो, और दूसरा साथ में दूसरा वार्ड है उधर भी 20 पेशेंट है, उधर मैंने जो है वो 5 लोग लगाए कि आप 5 लोग ये काम करो, आउटकम किन का अच्छा होगा? 5 लोगों का अच्छा होगा, क्योंकि उनके पास टाइम है, इनके पास वर्कलोड कम है। तो अप्रोप्रिएट स्टाफिंग जो है ये एक बहुत बड़ा इशू है। एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप के इनएडिक्वेट नर्स स्टाफिंग और एडवर्स पेशेंट आउटकम की
स्टाफ कम है तो पेशेंट और कम जो है वो एडवर्स आएंगे। स्टाफ सही है, अब यहाँ पे सिर्फ जो हम अप्रोप्रिएट स्टाफिंग की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ हम काउंट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ नंबर्स की बात नहीं हो रही, बात हो रही है यहाँ पे कॉम्पिटेंसीज की भी। मैंने 5 लोगों को लगाया है यहाँ पे काम करने के लिए, उन 5 लोगों में सिर्फ एक बंदा जो है वो कॉम्पिटेंट है, बाकी काम ही नहीं कर सकते। बाकी सब स्टूडेंट्स को मैंने भेजा है जिनको कुछ आइडिया ही नहीं है, या आइडिया है तो उन्हें जो है वो अलाउ नहीं है काम करना, तो क्या फ़ायदा, फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं जब भी स्टाफ असाइन करूँगा, स्टाफ की कॉम्पिटेंसीज को देखूँगा, पेशेंट की नीड को देखूँगा कि आया पेशेंट की नीड कौन कौन से, पेशेंट और फैमिली क्या चाहता है, और ये जो मैं स्टाफ असाइन कर रहा हूँ ये कॉम्पिटेंट है उस काम करने के लिए कि नहीं। तो ये जो नीड और कॉम्पिटेंसीज है ना, पेशेंट की नीड और कॉम्पिटेंसीज, इसकी बेस पे लास्ट में हम एक मॉडल पढ़ेंगे जिसको हम साइनर्जी मॉडल बोलते हैं, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लास्ट में कि किस तरह जो है वे एक हम साइनर्जाइज कर सकते हैं पेशेंट की आउटकम को। तो सिर्फ अप्रोप्रिएट स्टाफिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप लोग सिर्फ ये मतलब ले लो कि इतने नंबर ऑफ स्टाफ चाहिए, नंबर एक मेन इशू है, लेकिन नंबर के साथ साथ जो है वो आपके स्टाफ के अंदर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए आपका स्टाफ कि पेशेंट और फैमिली की नीड्स को जो है वो पूरा कर सके। ठीक है, तो जब पेशेंट और फैमिली की नीड्स और नर्स की कॉम्पिटेंसीज आपस में मैच करती है ना, तो आउटकम जो है वो हमारे ऑप्टिमल होंगे। ठीक है, ओके ठीक है बेटा, मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर लेता हूँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, जिस जिसको समझ नहीं आई, एक बच्ची पूछ रही है कि वो दोबारा बता दे तो मैं दोबारा बता देता हूँ। द नेक्स्ट वन इज मीनिंगफुल रिकॉग्निशन। मीनिंगफुल रिकॉग्निशन क्या है, मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, मैं एक्सप्लेन कर। मीनिंगफुल रिकॉग्निशन का काम मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो है वो, मैं आप लोग को रोज, मैं आप लोग की क्लास में आता हूँ, आप लोगों से पूछता हूँ और आप लोग मुझे बिल्कुल ठीक सुनाते हैं, तो मैं क्या कहता हूँ, वेरी गुड, ठीक है माशाल्लाह, वेरी गुड, आप बिल्कुल ठीक होते हैं। अगर मैं रोज आऊँ, ठीक है आप लोगों से पूछो, आप लोग आंसर करो, मैं ठीक हूँ, आप लोग क्या कहोगे कि कोई रिवार्ड ही नहीं है, हम पढ़े तो क्यों पढ़े, पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, सर में तो वैसे भी सर ही लाना होता है, चाहे कोई गलत बोले चाहे कोई सही बोले। ठीक है, तो ये चीजें होती, जब आपको रिवॉर्ड मिलता है, जब आपको रिकॉग्नाइज करता है, तो आप ठीक रहते हो, आप खुश होते हो। वो रिकॉग्निशन मॉनेटरी रिवॉर्ड भी हो सकती है, आपको जो कोई इनाम देता है, ठीक है, वो वर्बल या रिटन प्रेजल भी हो सकता है, ठीक है, जिस तरह आपको यहाँ पे कॉलेज में एक बोर्ड लगाता है जिसके ऊपर लिखा होता था कि स्टूडेंट ऑफ द मंथ, स्टूडेंट ऑफ द मंथ। ठीक है, अब आवाज आ रही है, ओके। तो रिकॉग्निशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिकॉग्निशन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं कि आपको कोई इनाम दे दे, वो आपकी कोई जो है वो वर्बली जो है वो आपको कोई जो है वो रिकॉग्नाइज कर ले, रिटर्न कर ले, ठीक है, इसके अलावा अप्रिशिएट कर ले कोई आके, ठीक है, एक्नॉलेज कर ले कि ये बंदा जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस जो है आपको अगर कोई रिकॉग्नाइज करता है, आपके काम को देखा जाता है और आपको अप्रिशिएट किया जाता है, तो आप वहाँ पे काम करते हो, आप खुशी से काम करते हो, लेकिन आप रोज आते हो, आप अच्छा काम करते हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, साथ वाला जो है वो बुरा काम कर रहा है, आपको और उसको बॉस जो है वो सेम रिस्पॉन्स देते हैं, आपको और उसको जो है वो स्टूडेंट टीचर जो है वो सेम रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। हम फॉर एग्जाम्पल मैंने जिस तरह आपको एग्जाम्पल दिया ना कि कोई गलत भी बोल रहा है तभी मैं सर हिलाऊँ क्लास में, और कोई सही भी बोल रहा है तभी मैं सर हिलाऊँ, हाँ हाँ ठीक है बैठ जाओ, क्या फ़ायदा, हमें क्या 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 करना है, क्यों पढ़ना है, सर ने तो वैसे भी सर ही लाना होता है, क्या फ़ायदा, ना ही पढ़े, ठीक है। तो रिकॉग्निशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अप्रिसिएशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज ऑथेंटिक लीडरशिप। ऑथेंटिक लीडरशिप होना चाहिए, अगर एक बंदा, अगर एक जगह पे एक अच्छा लीडर ना हो ना, तो वहां पे कोई हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं बन सकता। अगर एक अच्छा लीडर होना हो ना, तो हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं बन सकता। जिस तरह हम कहते हैं ना एक, कि अगर लीडर ठीक हो ना
तो चाहे पीछे कुछ भी हो, उसके सपोर्टर्स, उसकी जो टीम में कोई भी हो, वो बुरी से बुरी टीम से भी अच्छा अच्छा काम जो है वो करा सकता है। ठीक है, तो लीडर जो है वो बहुत बड़ा मैटर करता है, वो बहुत मैटर करता है। अब एक इफेक्टिव लीडर कौन होता है? एक इफेक्टिव लीडर जो है वो है जो कि प्रोडक्शन और एफिशिएंसी के दरमियान जो है वो बैलेंस रखे, कि मैंने प्रोडक्शन तो करना है, मैंने ये चीज़ें प्रोड्यूस तो करनी है, लेकिन साथ साथ वो चीज़ें एफिशिएंट होनी चाहिए, एफिशिएंसी भी उन चीज़ों की होनी चाहिए। क्रिएट एंड सस्टेन ट्रस्ट थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा लीडर वो होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रस्ट को क्रिएट करके सस्टेन रखे, मेंटेन रखे। जो चेंज आ रहा है वक्त के साथ साथ, उस चीज़ को एक्टिवली मैनेज करें, क्योंकि सिचुएशन जो है वो कभी भी अगर नॉर्मल लाइफ में देखा जाए ना, तो सिचुएशन जो है वो नॉर्मल लाइफ ऐसी है जैसे ना दरिया या समंदर का पानी है, लहरें आती रहती हैं, वेव्स जो है वो आते रहते हैं। हमारी ज़िंदगी ऐसी, इंडिविजुअली भी अगर देखा जाए तो हम सबकी ज़िंदगी ऐसी है कि वेव्स आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, एक मिनट। वक्त के साथ साथ जो है वो चेंजेस आती रहती है, ठीक है, लाइफ में भी आते हैं, इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस आती है, ठीक है, वक्त के साथ साथ। तो उन चेंजेस को डिटेक्ट करके उसको एक्टिवली मैनेज करना है। इसके अलावा जितने भी वर्कर्स हैं आपके हैं, जितने भी आपके साथ स्टाफ काम कर रहे हैं, उन सबको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना। हर एक डिसीजन खुद से लेके उनके ऊपर इम्पोज नहीं करना, उनसे भी पूछते हैं, उनकी राय भी जाननी कि वो क्या चाहते हैं। यूज नॉलेज मैनेजमेंट टू एस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन एज ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, आपने ऐसा इन्वायरमेंट देना है कि हर बंदा ये सोचे कि हाँ आज मुझे नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये इन्वायरमेंट चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट, क्योंकि हेल्दी इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट जितने लोग जो है वो जेन्युइननेस के बारे में, ट्रस्टवर्थीनेस के बारे में, रिलायबिलिटी, कंपैशन और बिलीवेबिलिटी के बारे में। एक लीडर के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि वो जेन्युइन, वो ट्रस्ट वर्दी, रिलायबल है, कंपैशनेट है, और बिलीवेबिलिटी हो इसके अंदर, वो दूसरों पे भी यकीन करें, लोग उस पे भी यकीन करें। ये नहीं है कि सिर्फ जो है वो लोग उस पे यकीन करें, वो दूसरों पे भी यकीन करें, ऐसा होना चाहिए। तो तभी उसे जो है वो हम ऑथेंटिक लीडर कहेंगे। ठीक है, ओके। अब जिस चीज को समझ नहीं, अच्छा एक बच्ची कह रही थी कि क्या एक्सप्लेन करना था, स्किल कम्युनिकेशन। स्किल कम्युनिकेशन में हम सिर्फ इतनी बात की थी कि स्किल कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो एरर के चांसेस कम होंगे, ठीक है, और आप जो है उस एरिया में, उस हॉस्पिटल में जो है आपकी रिक्रूटमेंट के लिए और आपकी रिटेंशन के लिए, वहाँ पे रहने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नर्सेज जो है वो जितनी नर्सेज के लिए क्लिनिकल स्किल्स इम्पोर्टेंट है, इतना जो है उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2005 में JCI ने एक रिपोर्ट तैयार किया था सेंटिनल इवेंट्स के बारे में, और उसमें ये बताया गया था कि सेंटिनल इवेंट्स जो 70% सेंटिनल इवेंट्स है, ये बैड कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन इश्यूज की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ आ गई। दूसरा क्या था, सहर पूछ रही थी शायद, कुछ कौन पूछ रही थी, एप्रोप्रिएट स्टाफिंग। अच्छा, एप्रोप्रिएट स्टाफिंग की हम बात कर रहे थे। एप्रोप्रिएट स्टाफिंग का ये मतलब है
सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मुझे नंबर ऑफ स्टाफ जो है वो प्रोवाइड करना है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अब ये कह रहा हूँ कि मेरे पास दो वार्ड्स हैं, ये वार्ड ए ठीक है, ये वार्ड बी है, अप्रोप्रिएट स्टाफिंग की बात हो रही है ठीक है। ओके यहाँ पे मेरे पास पेशेंट्स हैं 20 और यहाँ पे भी सेम 20 पेशेंट्स हैं ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्टाफ दिया और यहाँ पे मैंने जो है वो चार स्टाफ दिए। अब आपको क्या लग रहा है कि ये अप्रोप्रिएट स्टाफिंग मैंने कर ली? नहीं, मैंने इनकी स्किल्स भी देखनी है, इनकी कॉम्पिटेंसीज भी देखनी कि आया ये जो मैं स्टाफ दे रहा हूँ चार के चार बंदे, ये कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, ये स्किलफुल है कि नहीं है ठीक है। तो जब भी आप अप्रोप्रिएट स्टाफिंग की बात करते हैं ना, तो हम कॉम्पिटेंसीज की बात कर रहे हैं कि पेशेंट की जो नीड्स है ना और नर्स की जो कॉम्पिटेंसीज है वो आपस में मैच कर भी रही है कि नहीं कर रही। पेशेंट की जो नीड्स है वो ये नर्स कंप्लीट कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो ये नर्स पूरे कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो जब भी अप्रोप्रिएट स्टाफिंग की बात आती है ना, तो उसमें हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग की बात नहीं करनी, हमने बात करनी है अप्रोप्रिएट स्टाफिंग का मतलब है आपने नंबर भी पूरे करने, लेकिन जो स्टाफ आप दे रहे हो वो कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए, जो वहाँ की फैमिली जो वहाँ के पेशेंट की नीड्स है वो पूरी कर सके ठीक है। अब कोई क्वेश्चन? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ। मैं आप लोग की अटेंडेंस मांग कर अलहमदुलिल्लाह नहीं, बस मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ। इसी में सारा लेक्चर गुजर जाता है, इसके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स का कोई इशू हो जाता है बस। मीनिंगफुल रिकॉग्निशन का ये मतलब है ना कि आप एक जगह पे काम कर रहे हो ठीक है, आपके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है ठीक है, आपकी अप्रिसिएशन मिल रही है कि नहीं मिल रही। वो अप्रिसिएशन जो है वो मोनेटरी टर्म में भी हो सकता है, मोनेटरी टर्म का ये मतलब है कि आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज होती है ठीक है, आपको एक्स्ट्रा बोनसेस मिलते हैं मोनेटरी टर्म्स में। वर्बल में भी हो सकता है ठीक है, कोई आके आपको जो है अप्रिशिएट करता है कि ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है ठीक है। रिटर्न में भी हो सकता है, आपको अप्रिसिएशन लेटर वगैरह मिलते हैं ठीक है, आपको एक्नॉलेज किया जाता है। मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे कॉलेज में जिस तरह होता था कि यहाँ पे एक बोर्ड लगता था, उसके ऊपर जो है वो स्टूडेंट ऑफ द मंथ का जो है वो कोई भी स्टूडेंट होता है उसकी पिक्चर लगती थी, उसका नाम लिखा होता था कि ये स्टूडेंट बड़ा अच्छा काम कर रहा है।
इसको कहते हैं मीनिंगफुल रिकॉग्निशन। ठीक है, कोई क्वेश्चन? मैं स्लाइड्स जो है मैं शेयर कर लूंगा। ठीक है, किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लिया। स्टूडेंट्स, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हो। मैं इंशाल्लाह आज जो है वो स्लाइड जो है वो शेयर कर लूँगा। ठीक है, और के ओके, अल्लाह हाफिज़।